मेरे परिवारजनों, मुझे सरकार के मुखिया के तौर पर, हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर अब 2 दशक से भी ज्यादा समय बीत गया है। देशवासियों की आकांक्षाओं को जानने का, समझने का मुझे बहुत करीबी से मौका मिला है। अपने उन अनुभवों के आधार पर मैं आज एक अमृत मंत्र आपके सामने रख रहा हूं और भगवान बिरसा मुंडा की धरती से रख रहा हूं। अगले 25 वर्षों के अमृत काल में अगर हमें विकसित भारत की भव्य और दिव्य इमारत का निर्माण करना है तो हमें उसके 4 अमृत स्तंभों को और मजबूत करना होगा, निरंतर मजबूत करना होगा। हमारी सरकार ने जितना 10 साल में किया अब उससे भी ज्यादा ऊर्जा के साथ हमें इन 4 अमृत स्तंभों पर अपनी पूरी ताकत लगानी है। और विकसित भारत के 4 अमृत स्तंभ मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 4 अमृत स्तंभ है क्या। पहला अमृत स्तंभ, भारत की हमारी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें, हमारी नारी शक्ति। दूसरा अमृत स्तंभ है हमारे भारत के किसान भाई बहन और किसानी से जुड़े हुए जो कारोबार है, चाहे पशुपालक हो, चाहे मछली पालक हो, ये सारे हमारे अन्नदाता। तीसरा अमृत स्तंभ भारत के नौजवान, हमारे देश की युवा शक्ति जो आने वाले 25 साल में देश को नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाली सबसे बड़ी शक्ति है। और चौथा अमृत स्तंभ भारत का मध्यम वर्ग, नियो मिडिल क्लास और भारत के मेरे गरीब भाई बहन। इन 4 स्तंभों को हम जितना मजबूत करेंगे विकसित भारत की इमारत भी उतनी ही ऊंची उठेगी। मुझे संतोष है कि बीते 10 वर्षों में इन 4 स्तंभों को सशक्त करने के लिए जितना कार्य हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ।